बैक्टीरिया के टॉपिक को हम पढ़े थे और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि बैक्टीरिया कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर. हमने उसके इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को देखा था, उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को देखा था और हमने उसकी मेडिकल इंपॉर्टेंस को भी देखा था और बहुत सारे यूज़फुल बैक्टीरिया की बात की थी कि बैक्टीरिया किस तरह से हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है. जहाँ हमने यूज़फुलनेस की बात की है वहाँ पर हमने ये भी देखा था कि बैक्टीरिया कितना नुकसान पहुँचाता है, वो पैथोजेंस की फॉर्म में हो या फिर वो डिकम्पोजर की फॉर्म में हो, तो वो किस तरह से डिफरेंट लाइफ फॉर्म को जिसमें प्लांट्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं और ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं, वो उनको नुकसान पहुंचाते हैं. ठीक है, अब बैक्टीरिया जब इतना नुकसान पहुंचा रहा है तो हमारे पास कोई कंट्रोल का कोई मेथड होना चाहिए जिससे हम बैक्टीरिया की ग्रोथ को या ओवरऑल बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकें या उसके ऊपर काबू पा सकें. उसके लिए हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं और वो मेथड्स कहलाते हैं कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया. जैसे कि बैक्टीरिया बहुत अहम है, इसी तरह बैक्टीरिया का जो कंट्रोल है वो भी बहुत एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए और वो तकरीबन हर फील्ड में बहुत ज़रूरी है. अगर हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो इंडस्ट्री के अंदर बैक्टीरिया का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है. इसी तरह जब हम घरों की बात करते हैं, घरों में बैक्टीरिया कंट्रोल होना, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो मेडिकल फील्ड के अंदर बैक्टीरिया का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है. बैक्टीरिया को अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं या बैक्टीरिया के ऊपर अगर हम काबू पा लेते हैं तो होगा क्या, उससे ये होगा कि एक तो हम मुख्तलिफ बीमारियों को कंट्रोल कर सकेंगे, यानी कि हम उनको प्रिवेंट कर सकेंगे और फिर हम उसको ट्रीट भी कर सकेंगे. एक तो हम उन्हें प्रिवेंट कर लेंगे और हम उनको फिर ट्रीट भी कर सकेंगे अगर अगर इन केस को बीमारी आ जाती है तो, क्योंकि बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन है वो हमारी कंट्रोल में होगी तो हम उसको ईजिली ट्रीट भी कर सकेंगे. तो एक तो हमने बीमारियों के हिसाब से बात कर ली. दूसरा हमें ये फ़ायदा होगा कि हम उसके जो नुकसानात हैं हम उनको कम कर सकते हैं. जैसे कि हम देखते हैं कि फूड है हमारे पास या क्रॉप्स हैं, एग्रीकल्चर वगैरह है, उसके अंदर बैक्टीरिया उसको टोटली स्पॉइल कर देते हैं. हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इस एग्जांपल को भी देखा था कि अक्सर ऐसे होता है कि पूरे के पूरे खेत जो हैं वो बैक्टीरिया की जद में आ जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं वो क्रॉप्स. तो ये जो स्पॉइलेज है बैक्टीरिया की वजह से, या अगर हम इन जनरल देखें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, तो उनको हम कंट्रोल अगर कर लेंगे तो हम इस स्पॉइलेज को कम कर लेंगे. तो वन बाय वन हम देखते जाते हैं कि वो कौन से मेथड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए. सबसे फर्स्ट जो हमारे पास मेथड है वो कहलाता है फिज़िकल मेथड. फिज़िकल मेथड, जैसे कि नाम से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हम कुछ फिज़िकल टेक्निक्स यूज़ करेंगे इस मेथड के अंदर ताकि हम बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकें या उसकी ग्रोथ को या उसकी रिप्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकें. इसके अंदर हम करते क्या हैं, हम कुछ फिज़िकल एजेंट्स यूज़ करते हैं और उन फिज़िकल एजेंट्स की मदद से बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हैं. और फिज़िकल एजेंट्स क्या हो सकते हैं, हम स्टीम यूज़ कर सकते हैं, ड्राई हीट यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा गैसेस यूज़ करते हैं, फिल्ट्रेशन को यूज़ कर सकते हैं और रेडिएशन को यूज़ कर सकते हैं. तो ये डिफरेंट तरीके हैं जिनको यूज़ किया जाता है, डिफरेंट फिज़िकल मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके हम बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकते हैं. अब ये जो फिज़िकल एजेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं कंट्रोल करने के लिए, ये करेंगे क्या, ये लाइफ को डिस्ट्रक्ट कर देंगे, यानी कि जो बैक्टीरिया है वो उसको किल कर देंगे. ये जो किलिंग का प्रोसेस है फिज़िकल मेथड के थ्रू, इसको हम कहते हैं स्टेरिलाइजेशन. और क्या है स्टेरिलाइजेशन, हमने कहा यूज़ ऑफ फिज़िकल एजेंट्स टू कंट्रोल लाइफ फॉर्म्स या किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इससे होता क्या है, बेसिकली इससे लाइफ फॉर्म्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं. हम कह सकते हैं कि हम डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं लाइफ को. तो ये हमने देख लिया स्टेरिलाइजेशन को. अच्छा, जो ऊपर हमने चीज़ें देखी हैं स्टीम, ड्राई हीट, गैस, फिल्ट्रेशन, रेडिएशन को भी वन हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनको हम किस तरह से यूज़ करते हैं. स्टीम को जब हम देखते हैं, स्टीम के लिए हम ऑब्वियसली हाई टेम्परेचर को यूज़ करेंगे. हाई टेम्परेचर का बहुत फ़ायदा ये होता है कि हाई टेम्परेचर के ऊपर बैक्टीरिया जो है वो, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जो एग्जिस्ट कर लेते हैं, अदरवाइज मोस्टली बैक्टीरिया जो है वो हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट नहीं कर पाते और उनकी डेथ हो जाती है. यही वजह है कि जब भी लैब के अंदर हम बैक्टीरिया के ऊपर या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो हम हाई टेम्परेचर को यूज़ करते हैं ताकि हम उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकें. तो हम इसे मेंशन भी कर देते हैं, हाई टेम्परेचर्स आर यूज्ड इन लैब्स टू किल माइक्रोब्स.
अच्छा, इसके बाद ड्राई हीट है, और ड्राई हीट की जब हम बात करते हैं, ड्राई हीट भी इसी तरह से, जैसे कि क्योंकि हाई टेम्परेचर पे माइक्रोब्स को किल किया जा सकता है, इसी तरह ड्राई हीट को भी यूज़ करके हम बैक्टीरिया को या डिफरेंट माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी किल कर सकते हैं। ना सिर्फ ड्राई हीट बल्कि मॉइस्ट हीट भी इसमें बहुत इफेक्टिव होती है। और वो किस तरह से इफेक्टिव होती है, पहले तो हम मेंशन कर देते हैं कि बोथ ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट इज इफेक्टिव। और वो किस तरह से इफेक्टिव है, जब हम ड्राई हीट की बात करते हैं तो ड्राई हीट से ये होता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जब हम उसको ड्राई हीट देते हैं तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट, ऑब्वियसली हम अगर बैक्टीरिया की बात करते हैं, बैक्टीरिया के सेल के अंदर जो केमिकल्स हैं, ठीक है, यानी बैक्टीरिया का सेल जिन केमिकल्स से मिलके बना है, वो केमिकल्स ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। और उसके ऑक्सीडेशन के बाद होगा क्या कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाएगा। और जब हम मॉइस्ट हीट की बात करते हैं, मॉइस्ट हीट से क्या होता है, मॉइस्ट हीट से ये होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया है, उसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो कोएगुलेट होने शुरू हो जाते हैं। इसे मेंशन कर देते हैं, कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन। कोएगुलेशन क्या है, कोएगुलेशन हम कहते हैं कि सिकुड़ने शुरू हो जाती हैं। जैसे कि अगर आप अंडे की एग्जांपल लें, अंडा भी हमारे पास प्रोटीन्स की फॉर्म में होता है ना। अंडे को अगर हम ऑयल में डालते हैं या पानी के अंदर डालते हैं और उसको हम हीट करते हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर की जो प्रोटीन्स हैं वो सख्त होने शुरू हो जाती हैं, सिकुड़ने शुरू हो जाती हैं और सख्त होने शुरू हो जाती हैं। तो वो क्या हो रहा होता है, वो प्रोटीन्स की कोएगुलेशन हो रही होती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी जब हम उनको मॉइस्ट हीट देते हैं तो उनके अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो कोएगुलेट होने लग जाती हैं, और उसके रिजल्ट में भी ये होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ख़त्म हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाता है। तो ये हमने देख लिया ड्राई एंड मॉइस्ट हीट को। उसके बाद हमने देखा गैस फिल्ट्रेशन एंड रेडिएशन, ये तीन टेक्निक्स भी यूज़ की जाती हैं। रेडिएशन को पहले हम देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडिएशंस डिफरेंट तरह की हम यूज़ करते हैं और रेडिएशन से भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किल हो जाते हैं। किस तरह से, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिनकी वेवलेंथ जो है तकरीबन लेस देन 300 नैनोमीटर हो, ऐसे रेडिएशन जिन मोस्टली इनके अंदर गैमा रेज भी आ जाती हैं, उसको लिख देते हैं गैमा रेज, इनको हम यूज़ करते हैं। और ये रेज जब बम्बार्ड की जाती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर तो क्या होता है कि वो किल हो जाते हैं। ये भी स्टरिलाइजेशन का एक प्रोसेस है, बट मोस्टली ये तब यूज़ किया जाता है जब हमारे पास कोई और तरीका मौजूद ना हो। अच्छा, ये हमने देख लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को। इसके अलावा हमने फिल्ट्रेशन का एक स्टेप देखा है ऊपर, और फिल्ट्रेशन जो है वो कब यूज़ की जाती है, मोस्टली हम देखते हैं कि हमने यहाँ कहा हम ड्राई हीट देंगे तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, अगर हम मॉइस्ट हीट देंगे तो प्रोटीन्स वगैरह जो है वो कोएगुलेट हो जाएंगे। तो जब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं हीट से, तो समटाइम्स अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, ह्यूमन बींग्स की एग्जाम्पल ले लें, ह्यूमन बींग्स के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है तो ऑब्वियसली फिर हम उनको हाई टेम्परेचर तो नहीं दे सकेंगे, ना ही हम उनको ड्राई हीट या मॉइस्ट हीट दे सकेंगे, क्योंकि इसका नुकसान फिर उन लिविंग ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बींग्स को भी होना शुरू हो जाएगा। ह्यूमन बींग्स के अंदर अगर हार्मोन्स हैं या जो लिविंग सेल्स हैं वो भी अफेक्ट होने शुरू हो जाएंगे, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए हम कुछ और तरीके यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास मेम्ब्रेन फिल्टर्स का एक तरीका है, मेम्ब्रेन फिल्टर्स। अब मेम्ब्रेन फिल्टर्स जो है ये किन किन केसेस में यूज़ किया जाता है, ये उन केसेस में जहाँ पे हमारे पास हीट सेंसिटिव रीजन्स हो, हीट सेंसिटिव रीजन्स या हीट सेंसिटिव सब्सटेंसेस के अंदर हमारे पास क्या आ जाते हैं, हमारे पास एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं, एंटीबायोटिक्स हीट सेंसिटिव होती हैं। इसी तरह हमारे पास हार्मोन्स आ जाते हैं जो कि हीट सेंसिटिव होते हैं। तो जब हमारे पास इस तरह के एलिमेंट्स हों, इस तरह के कंपाउंड्स हों, तो फिर उनके ऊपर हम मेम्ब्रेन फिल्टर यूज़ करते हैं। तो ये हमने देख लिया कि हम बैक्टीरिया को किस तरह से कंट्रोल करें हैं फिजिकल मेथड्स के थ्रू। इसके बाद हम सेकेंड मेथड की तरफ आ जाते हैं जो कि है केमिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स। जैसे कि नाम से यहाँ पे भी आपको कुछ अंदाज़ा हो रहा होगा कि केमिकल मेथड जो है इसके अंदर कोई केमिकल कंपाउंड यूज़ किए जाएंगे जिसके थ्रू हम बैक्टीरिया को किल करेंगे या उनकी ग्रोथ या उनकी रिप्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकेंगे। केमिकल मेथड्स के अंदर हम तीन तरह की चीज़ों को यूज़ करते हैं। हम यूज़ करते हैं एंटीसेप्टिक्स, इसके अलावा हम यूज़ करते हैं डिसइंफेक्टेंट्स और हम यूज़ करते हैं
chemotherapeutic agents. Therapeutic agents. इनको वन बाय वन हम देख लेते हैं. सबसे पहले हम एंटीसेप्टिक्स को देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ होती है. एंटीसेप्टिक्स हम उन केमिकल्स को कहते हैं जो कि लिविंग टिश्यूज़ के ऊपर यूज़ किए जाते हैं. एंटीसेप्टिक्स क्या कहा हमने? एंटीसेप्टिक्स क्या है? ये वो केमिकल्स हैं जो कि यूज़ किए जा रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है उसको रोका जा सके. इसके अलावा डिसइंफेक्टेंट्स को हम यूज़ करते हैं. और डिसइंफेक्टेंट्स क्या करते हैं कि वो बैक्टीरिया को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है उसको रोकते हैं ऑन नॉन लिविंग मटीरियल. डिसइंफेक्टेंट्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह के केमिकल्स आ जाते हैं जो कि मोस्टली ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं. ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स. और ये कौन से केमिकल्स हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं. इसके एग्जाम्पल्स में हमारे पास फिनोल्स आ जाते हैं, फिनोल्स एंड ईथर्स. इसके अलावा हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. अच्छा, मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, H2O2. ठीक है. इसके अलावा हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट आ जाता है, KMnO4. और हमारे पास अल्कोहल्स के अंदर हमारे पास एग्जांपल में हम देख सकते हैं C2H5OH. और हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड आ जाता है CH2O. इस तरह से हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं केमिस्ट्री में. अच्छा, तो ये डिफरेंट केमिकल्स हैं जो कि हमारे पास डिसइंफेक्टेंट्स के तौर पे यूज़ किए जाते हैं नॉन लिविंग मटेरियल के ऊपर. नॉन लिविंग मटेरियल में क्या हो सकता है? टेबल हो सकता है, फर्श हो सकता है. आमतौर पे सफाई के लिए जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं उनके अंदर वो क्या होते हैं? वो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं. उनके अंदर यही केमिकल्स यूज़ हुए होते हैं. तो ये हमने देख लिया केमिकल मेथड्स को. इसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड मेथड की तरफ, जो कि है कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स. कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स क्या हैं? बेसिकली ये भी केमिकल्स ही हैं, लेकिन इनका काम जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी केमिकल्स से. वो किस तरह से? वो इस तरह से कि ये जो है वो हमारे जो एक कुदरती दिफाई निज़ाम है उसके साथ मिलके काम करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकते हैं. इसको हम मेंशन भी कर देते हैं कि दे वर्क विद नेचुरल डिफेंस सिस्टम, नेचुरल डिफेंस सिस्टम एंड दे स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है वो उसको रोक देंगे. इसके एग्जांपल्स को अगर हम देखें, एग्जांपल्स के अंदर इसमें हमारे पास टेट्रासाइक्लिन आ जाता है, पेंसिलिन आ जाता है. बेसिकली जब हम कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स की बात करते हैं इसके अंदर हमारे पास एंटीबायोटिक्स आ जाते हैं. ठीक है, एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिंस हैं जो कि हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए लेते हैं. बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है या कोई भी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन हमारे बॉडी के अंदर हो सकता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं. और एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं? वो हमारे जो नेचुरल, जैसे हमने कहा कि दिफाई निज़ाम है, उसके साथ मिल के एक्ट करती हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के खिलाफ. और अल्टीमेटली क्या होता है कि जो भी बीमारी उन्होंने कॉज की हुई होती है हमारे बॉडी के अंदर वो ख़त्म हो जाती है. तो टेट्रासाइक्लिन हमने देख लिया, पेंसिलिन देख लिया, इसके अलावा सल्फोनामाइड्स, ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं. और ये करती क्या हैं? बेसिकली इसका काम ये है कि ये तो या तो डिस्ट्रॉय कर देंगे ऑर्गेनिज्म को, टोटली डिस्ट्रॉय कर देंगे, या फिर उसकी जो ग्रोथ है वो उसको रोक देंगे. ठीक है, या तो डिस्ट्रॉय या किल कर दिया, या फिर इनहिबिट द ग्रोथ. इसके लिए दो टर्म्स भी हम यूज़ करते हैं, दो खास नाम होते हैं जो कि हम इन दो टर्म्स के लिए यूज़ करते हैं. एक को हम कहते हैं माइक्रोबेसिडल एजेंट्स, एक को हम कहते हैं माइक्रोबायोस्टैटिक एजेंट्स. इनको बल्कि ऐसे करते हैं कि साथ मेंशन कर देते हैं. एक को हमने कहा माइक्रोबेसिडल एजेंट्स और दूसरा है हमारे पास माइक्रोबायोस्टैटिक एजेंट्स. और ये क्या हैं? माइक्रोबेसिडल एजेंट्स हमारे पास वो केमिकल्स हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उसी वक्त इमीडिएटली ख़त्म कर देते हैं. दे किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इमीडिएटली. और माइक्रोबायोस्टैटिक एजेंट्स ये वो एजेंट्स हैं या ये वो केमिकल्स हैं जो कि रिप्रोडक्शन को इनहिबिट करते हैं. रिप्रोडक्शन, अब रिप्रोडक्शन को इनहिबिट करेंगे तो क्या होगा कि इनिशियली जो नंबर है
या जितनी पॉपुलेशन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वो स्टैटिक रहेगी, ठीक है। तो ये माइक्रो बायोस्टैटिक एजेंट्स को यूज़ करके हम एक पॉपुलेशन कंट्रोल पे काम कर सकते हैं, यानी कि ओवरऑल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ है हम उसको रोक सकते हैं। तो इसको भी हम मेंशन कर देते हैं कि कंट्रोल द पॉपुलेशन। ये हमने देख ली दो टर्म्स, माइक्रोबेसिडल एजेंट्स और माइक्रो बायोस्टैटिक एजेंट्स। अच्छा, अभी तक हमने तीन चीज़ों को देखा है। सबसे पहले हमने जो है वो फिज़िकल मेथड्स को देखा, उसके बाद फिर हमने केमिकल मेथड्स को देखा, और एंड पे आके हमने कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स को देख लिया। इन तीनों का जो मोड ऑफ एक्शन है, यानी ये किस तरह से एक्ट करते हैं बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ, ये डिफरेंट हो सकता है। और डिफरेंट किस तरह से हो सकता है, इस तरह से डिफरेंट हो सकता है कि बेसिकली ये करते के जब हम बात करें कि वो उसको किल कर देगा या उसको कंट्रोल कर देगा, तो बेसिकली वो करेगा क्या इन लिटरेरी टर्म्स, वो करेगा ये कि हम जानते हैं कि बैक्टीरिया के सेल स्ट्रक्चर को हमने डिटेल में देखा था, और हम जानते हैं कि बैक्टीरिया के सेल के अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, इसके अलावा साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। इस तरह से बैक्टीरिया के अंदर पाई जाने वाली डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो इनको, जैसे केमिकल एजेंट्स हैं, तो वो इनको डिस्ट्रॉय करेंगे, और जब ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो क्या होगा कि सेल नॉर्मली फंक्शन नहीं कर सकेगा या मेल फंक्शन करेगा, तो फिर क्या होगा कि वो डैमेज हो चुके हैं, क्योंकि तो अल्टीमेटली वो उसकी डेथ हो जाएगी या सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये हमने देख लिया कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया को।